अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बिगनर्स के लिए बिल्कुल सिंपल झटपट हो तैयार होने वाला खाना, सादा सा। तो आइए उसके लिए देखें मुझे क्या क्या चाहिए। ये मैंने मटन का गोश्त लिया है 1 kg, 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन लिए 6-7 जबे, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और इसमें जाएगा धनिया, और साथ मैंने आलू लिए हैं। आलू अब मैं बाद में आपको दिखाती हूँ छील के। तो ये मैंने गोश्त लिया है मटन का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सादा और जल्दी जल्दी बनने वाला खाना है, क्योंकि आज हम लेट हो गए हैं, तो मैंने कहा वो जल्दी जल्दी खाना जो बन जाए वो बनाती हूँ। तो ये हो गया, ये अदरक पीस के रखी थी वो डालूँगी। अब इसमें जाएंगे मसाले, सूखा धनिया, ये मटन में लाजमी डालना चाहिए ताकि उसकी जो गोश्त की हीक होती है वो नहीं आती। 1 tablespoon सुरख मिर्चें, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी है, और ये 1 tablespoon भर के नमक डालेंगे। तो अब इसमें डालूँगी 1 cup पानी और इसको चूल्हे पर रखती हूँ। ये मैंने 1 cup पानी डालने लगी हूँ, हमने 20 से 25 मिनट गोश्त को रखना है। बस अब इसको बंद करूँगी। व्यूअर्स, ये मैं 20 मिनट हो गए हैं और गोश्त को मैं कुकर खोलने लगी हूँ। अब देखती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, इसमें अभी पानी है, तो मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, गोश्त मैंने इसलिए 5 मिनट पहले खोल लिया क्योंकि मैंने इसमें अभी आलू डालने हैं। तो अभी मैं इसमें डालूँगी घी और आलू डाल के, तो 5 मिनट के लिए मैं दोबारा रख दूँगी। जब वो 5 मिनट के बाद पानी भी ड्राई हो जाएगा और फिर मैं इसको भून के, तो जितना मैंने शोरबा करना है उसमें डालूँगी। ये गोश्त अभी थोड़ा सा सख्त है, ये मैंने आलू काट के रखे हुए थे इसलिए खोला 5 मिनट पहले कि मैंने 5 मिनट आलू रखने हैं। आलू डाल दिए, ये बहुत शॉर्टकट खान दिए हैं, तो आप इसको यकीनन पसंद आएगी। अब मैं इसमें डालूँगी घी, ऑयल जो भी डालना है अपने, घी या ऑयल जो भी डालना है। अब इसको चला के तो मैं इसको दोबारा रख दूंगी 5 मिनट के लिए। कुकर बंद करना, नीचे फ्लेम पे करूंगी, फिर वो स्टीम की वजह से फिर बंद नहीं होएगा। बस ये 5 मिनट और जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद ये मैंने उतार लिया, गोश्त भी गल गया, आलू भी गल गया, और अब मैं तेज़ आँच करके इसको माशाल्लाह से अच्छा सा भूनती हूँ। ये 1 चम्मच मैं और डालने लगी हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने अभी शोरबा भी इसमें करना है, तो थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी सूखी मेथी डालूँगी ताकि इसकी अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। ये देखें, इसको रगड़ के बस ये पानी देखे इसका ड्राई हो गया। आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं सिर्फ इतना सा पानी डालूंगी कि ये हल्का सा शोरबा बन जाए। ये हरी मिर्चें हैं 4-5, ये डालूंगी, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये भून गया, तो अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ बनाएंगे तड़के वाले चावल, ज़ीरे वाले, और मज़े करें। जब उतारने लगूंगी तो फिर इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डालूंगी। ये देखें, झटपट रेडी हो गया हमारा सालन। बस ये 2-3 बॉयल आ जाएं
क्योंकि ये बहुत थिक शोरबा है, तो दो दिन बॉयल आ जाए तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह शोरबा पक गया। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और सब्ज़ धनिया और इसको डिश आउट करती हूँ। ये मैं धनिया डाल रही हूँ इस पर और अभी मैं इस पर डालने लगी हूँ थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मैं भूल गई थी। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा सालन माशाल्लाह झटपट रेसिपी रेडी हो गई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मेरी वीडियो को देखना है रेसिपी के लिए और आपको बहुत पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।